okay so now in next this video what we will do is we will try to do the reverse in last video what we have seen is finite automata to grammar and the grammar which we wanted to generate is rlg or llg rlg direct generate hoti hai. इसके लिए हमें कुछ प्रोसेस यूज नहीं करना है सिंपल फाइनाइट ऑटोमेटा को आर में कन्वर्ट कर दो डायरेक्टली बट अगर एल करनी है तो पहले इसका रिवर्स निकालो तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा का रिवर्स आएगा फिर उससे आरएलजी आर एल और फिर उससे एल बनाओ ये तरीका है हमारे ग्रामर लिखने का इस वीडियो में लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन रेगुलर ग्रामर हमारे पास रेगुलर ग्रामर गिवन है टू फाइनाइट ऑटोमेटा इस बार हम रिवर्स कर रहे हैं रेगुलर ग्रामर से फाइनाइट ऑटोमेटा हमें बनाना है तो लेट्स से एग्ज़ाम्पल देखते हैं हमारे पास एक रेगुलर ग्रामर गिवन है ए गिव्स यू ए कैपिटल बी बी कैपिटल ए बी बी गिव्स यू ए कैपिटल सी बी कैपिटल बी एंड सी गिव्स यू ए कैपिटल ए बी कैपिटल सी एंड ए ऑब्वियसली दिस इज आर एल जी आपको दिखाई दे रहा होगा कि सारे के सारे प्रोडक्शन रूल राइट लीनियर ग्रामर में है अगर कोई एक भी लेफ्ट में होता तो ये रेगुलर ग्रामर नहीं होती क्योंकि टाइप थ्री के फॉर्म में नहीं होगी वो ठीक है इफ प्रोडक्शन आर गिवन एंड दे आर आर एल जी और एल एल जी then better to convert it into finite automata and then answer what language they are accepting सुनो ये इसका मतलब क्या है ये जो मैंने पॉइंट लिखा है इसका मतलब क्या है हमें पहले रेगुलर ग्रामर से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन लेट से उन्होंने बोला होता कि हमारे पास एक ग्रामर गिवन है और उस ग्रामर की लैंग्वेज बताओ ग्रामर की फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बनानी है आपको ग्रामर की लैंग्वेज बतानी है कि लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट कर रहा है वो ठीक है मतलब स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ए कंटेनिंग दिस और दैट और मे बी ए की पावर एन बी की पावर एन या किस तरह की वो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है इफ़ प्रोडक्शन रूल्स आर गिवन एंड दे आर इन आर एल जी और एल एल जी जो आपको प्रोडक्शन रूल्स गिवन हैं वो या तो आर एल जी में हैं और एल एल जी में हैं अगर ऐसा है तो बेटर टू कन्वर्ट इट इंटू फाइनाइट ऑटोमेटा पहले उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना लो और फाइनाइट ऑटोमेटा से लैंग्वेज निकालने की कोशिश करो जो कि आपको पहले से पता है कैसे निकालते हैं कि फ़ाइनाइट ऑटोमेटा की लैंग्वेज क्या है वो निकालना आसान है आप डी एफ ए या एन एफ ए बना लोगे उससे लैंग्वेज बनाना आसान होगा रेदर देन ग्रामर से लैंग्वेज बनाना प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट लैंग्वेज ग्रामर से भी लैंग्वेज बना सकते हो ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाएगी बट एक जस्ट टिप है ये अब वापस अपने पुराने वाले उस चीज़ पे आते हैं कि हम इससे फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाएं तो देखो लेट से यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल जो था वो ए था स्टार्टिंग सिंबल था ए बाकी प्रोडक्शन रूल आपको पता ही है कौन से हैं जो कैपिटल में लिखे हैं वो टर्टेसेज हैं जो स्मॉल में लिखे हैं वो हमारे टर्मिनल्स हैं तो स्टार्टिंग सिंबल हो गया ए ये हमने स्टार्ट किया और ए से हम क्या रीड कर रहे हैं स्मॉल ए और बी पे जा रहे हैं तो स्मॉल ए रीड करा और बी पे चले गए या स्मॉल बी रीड करा और ए पे ही रहे स्मॉल बी रीड करा और ए पे ही रहे या फिर सिंगल स्मॉल बी रीड किया अब यहाँ पे आपको लगाना है एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड क्यों लगाना है क्योंकि आपको फाइनल स्टेट भी निकालनी है अगर मैं कैपिटल ए से स्टार्ट कर रहा हूँ और स्मॉल बी ले ले रहा हूँ तो खत्म हो गया यहीं पे बस और ये बी एक्चुअली में एक स्ट्रिंग है जो जनरेट हो रही है इसमें हम आगे कहीं जा ही नहीं रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि कैपिटल ए हमारी फाइनल स्टेट भी हो गई क्योंकि उससे आगे हम कहीं नहीं जा रहे हैं वो फाइनल स्टेट हो गई अब फाइनल स्टेट हो गई तो हमने उसको डबल सर्किल में रख दिया कैपिटल बी से स्मॉल ए रीड करके कैपिटल सी पे जा रहे हैं तो स्मॉल ए रीड करके कैपिटल सी पे चले गए स्मॉल बी रीड कर रहे हैं तो कैपिटल बी पे ही हैं तो स्मॉल बी रीड कर रहे हैं तो कैपिटल बी पे ही हैं ऐसे ही कैपिटल सी से स्मॉल ए रीड करके कैपिटल ए पे ए रीड करके कैपिटल ए पे और बी रीड करके कैपिटल सी पे बी रीड करके कैपिटल सी पे ही है और अगर सिंगल ए रीड कर रहे हैं तो हम वहीं पे खत्म हो जा रहे हैं सिंगल ए रीड करके तो यानी कि सिंगल ए रीड करके अगर हम वहीं पे खत्म हो जा रहे हैं तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंगल ए रीड करा और वहीं पे ख़त्म हो गए तो यहाँ से ये ए पे जा रहा है और फाइनल स्टेट भी है खत्म भी हो जा रहे हैं वहाँ पे दैट आल्सो गिव्स मी वन मोर रीजन टू मेक कैपिटल ए एज फाइनल स्टेट क्योंकि सिंगल कैपिटल सी से हमने ए रीड किया कैपिटल ए पे चले गए और कैपिटल ए पे खत्म भी होना है तो दैट मीन्स इट हैज़ टू बी फाइनल स्टेट ओके सो दैट इज आवर फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर दिस प्रोडक्शन रूल्स ये सिंपल है क्योंकि जो पढ़ रहे हैं बस उसको ड्रॉ करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ठीक है सर जी इस फाइनें ऑटोमेट ऑटोमेटा हमारा एप्सिलॉन में एक्सेप्ट हो रहा है जबकि ग्रामर में नहीं हो रहा है एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है बट ग्रामर में नहीं हो रहा है हम्म mm -hmm. हो सकता है मैं इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ हाँ बोलिए ये जो सी से जो ए पे जा रहे हैं तो सर सी भी तो फाइनल स्टेट 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 तो नहीं हो रहे हैं कहीं भी सर सिंगल ए दे रहे हैं और कोई स्टेट नहीं है राइट में एंड में ए देने पे और एक ए भी दे रहे है अलग से सिंगल कैपिटल सी से बेटे ए रीड करना है आपको अगर कैपिटल सी से ए रीड करोगे तो आप फाइनल स्टेट में तब जा रहे हो एक और बार रिपीट करना सर सॉरी बेटे कैपिटल सी से ए रीड करके कहीं जाओगे अगर आप इस पे लूप बना दोगे तो ये तो एनी नंबर ऑफ एज हो गया ना फिर हम्म ओके सर जो आ, अमन कह रहे हैं कि इसमें एप्सिलॉन रीड हो रहा है बट एप्सिलॉन रीड नहीं होना चाहिए तो उसका तरीका मेरी समझ में सिर्फ ये आता है कि इसमें अगर हम बी रीड करें तो हम एक और स्टेट पे जाएं, ए लेट से ए डैश बना दिया मैंने इसको और इसको फाइनल स्टेट बना दिया ठीक है मैं अभी के लिए इसमें टाइम नहीं लगा रहा हूँ मैं जस्ट इसमें एक एप्सिलॉन ऐड कर दे रहा हूँ उसको बाद में देखूँगा कि क्या चीज़ है Uh, अभी के लिए हम मान लेते हैं एप्सिलॉन इसमें एक्सेप्ट हो रहा है वेन एवर इज एंडिंग इट विल बी इट विल बी अ फाइनल स्टेट जहां पे भी स्ट्रिंग एंड हो रही है वहां पे हम बोलेंगे वो एक फाइनल स्टेट है अब यहां पे अगेन मैं बोल दे रहा हूं कैपिटल सी से ए आ रहा है तो वो फाइनल स्टेट नहीं बन जाएगी कैपिटल सी उससे हम कहीं और जाएंगे तो वो कैपिटल फाइनल स्टेट बन जा रही है बिकॉज वहां पे स्ट्रिंग एंड हो रही है दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं देखते हैं एक और कन्वर्ट अ एल एल जी और कन्वर्ट एल एल जी नहीं लेट से गिवन अ एल एल जी कन्वर्ट इट इंटू फ़ाइनाइट ऑटोमेटा हमारे पास एक एल एल जी गिवन है हमें उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है देखो मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आज तक गेट में नहीं आए हैं मैं आपको ये कहूँगा कि इनको एक दो बार पढ़ो इनको दिमाग में रखो और आगे बढ़ो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं लेकिन कोर्स में है इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ और इसमें आपको मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करा रहा हूँ जहाँ पे बहुत मैं आप एक चीज़ ध्यान से देखना मेरे लेक्चर्स में अपने नोट्स में जहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि अ ग्राम अ लैंग्वेज इज़ रेगुलर और नॉट वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए मैंने उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली उस पर क्वेश्चन आएगा या अ ग्रामर हाउ टू मेक अ ग्रामर रूल्स वो लिखना जानना जरूरी है उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए मैंने आपको उसके बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं ऐसे ही डी कैसे बनाना है एन कैसे बनाना है उसके मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया कि फाइनाइट ऑटोमेटा से ग्रामर कैसे लिखनी है और आर एल जी कैसे लिखनी है एल एल जी कैसे लिखनी है वो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन कराया ऐसे ही फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाना है गिवन ग्रामर से उस उसमें मैंने आपको एक ही क्वेश्चन कराया अगेन मैं आपको अब क्या कह रहा हूँ आपके पास एक ग्रामर गिवन है और वो आर एल जी नहीं है अभी जो ये गिवन थी वो थी आर एल जी आर एल जी से तो आपने डायरेक्ट बना दिया देखो अगर आपके पास में फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है उससे डायरेक्ट लैंग्वेज लिखो ग्रामर लिखोगे तो आर एल जी बनेगी और अगर आपके पास में आर एल जी गिवन है तो उससे डायरेक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओगे तो बन जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आर एल जी अगर गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपको फाइनाइट ऑटोमेटा से एल एल जी बनानी है तो फाइनाइट ऑटोमेटा का रिवर्स करो जो फाइनाइट ऑटोमेटा आएगा उससे आप आर एल जी लिखो और फिर उससे आप जो रिवर्स करके बनाओगे तो एल एल जी बनेगी यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा से एल एल जी चाहिए तो ये एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ेगा ऐसे ही अगर आपको एल एल जी गीवन है और आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो डायरेक्ट नहीं बना सकते वो गलत हो जाएगा तो वही हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि गीवन एल एल जी कन्वर्ट इन टू फाइनाइट ऑटोमेटा तो डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं ठीक है क्योंकि आप लेटर पहले रीड करोगे और उसके बाद कैपिटल लेटर यानी कि स्टेट पे शिफ्ट होगे कैपिटल लेटर्स आर स्टेट्स स्मॉल लेटर्स आर इनपुट सिंबल्स लेकिन एल एल जी के अंदर पहले कैपिटल लेटर आता है तो आप उसको डायरेक्टली कैसे रीड करोगे सो वॉट वी हैव टू डू इज आपको जो एल एल जी गिवन है वो लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहा है लेट से एल क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं है ना एल रिवर्स की लैंग्वेज दे रखी होगी आपको जो एल एल जी गिवन होगा वो उन्होंने कन्वर्ट करके ही दे रखा होगा पहले से वो सही लैंग्वेज दे रहा होगा आप उसको रिवर्स करोगे तो आपको मिलेगा आर एल जी और ये बन जाएगा एल रिवर्स क्योंकि जैसे ही रिवर्स करोगे तो एल रिवर्स बन जाएगा जब आप इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओगे तो इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा रिवर्स का जी से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना आपको आता ही है अभी हमने ऊपर बताया डायरेक्ट बनाना है कुछ नहीं करना उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अब इसका रिवर्स कर दो तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो बनेगा वो एल ऑफ रिवर्स के रिवर्स का बनेगा दैट इज एल का बन गया तो आपको जब भी एल एल जी गिवन होगा तो आपको एक्स्ट्रा स्टेप यूज करना है डायरेक्ट ये नहीं करना है ये तभी कर सकते जब हो जब आर एल जी होगा अगर एल एल जी होगा तो उससे पहले ये एक एक्स्ट्रा स्टेप और ये बाद में एक्स्ट्रा स्टेप यूज करना पड़ेगा ऐसे ही जब आपको एल एल जी चाहिए होगी फाइनाइट ऑटोमेटा से तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप यूज करना पड़ेगा तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं ठीक है इसमें ये लिख लीजिए क्वेश्चन मैं इसमें क्वेश्चन भी नहीं करा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है जस्ट याद रखो कि अगर एल एल जी गीवन होगी और फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो ऐसे कर सकते हो सिंस आर जी देट इज़ रेगुलर ग्रामर गिव्स यू फाइनाइट ऑटोमेटा किसी भी रेगुलर ग्रामर से आप फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हो क्योंकि देखो रेगुलर ग्रामर मैंने आपको बताया वो दो तरह के हैं ए आर एल जी या एल एल जी अगर रेगुलर ग्रामर गिवन है डायरेक्टली आर एल जी बना सकते हो यानी कि सॉरी uh, अगर आपको डायरेक्टली आर एल जी है उससे डायरेक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हो एल एल जी है तो उसमें ये प्रोसेस यूज करके फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हो तो आप रेगुलर ग्रामर से फाइनाइट ऑटोमेटा बना पा रहे हो सो कैन बी कन्वर्टेड किसी भी रेगुलर ग्रामर को आप कन्वर्ट कर सकते हो फाइनाइट ऑटोमेटा में दिस इंप्लाइज रेगुलर ग्रामर हैव सेम पावर एज फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर ग्रामर की पावर सेम है फाइनाइट ऑटोमेटा जितनी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने आपको ये जो प्रोसेस यहाँ पे बताया है वो इसलिए बताया है सो दैट आई कैन प्रूव दैट रेगुलर ग्रामर इज इक्वल टू फाइनाइट ऑटोमेटा अदरवाइज यू विल नॉट हैव वेरी वेरी लेस चांसेस वन परसेंट और टू परसेंट चांसेज कि आपके पास क्वेश्चन आए लेफ्ट लीनियर ग्रामर या राइट लीनियर ग्रामर पे ओके सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद टाइप टू ग्रामर